मार्केटिंग गाइड फॉर रियल स्टेट लैंड डेवलपर। हाँ दोस्तों, आपने बहुत ठीक सुना, अ मार्केटिंग गाइड फॉर रियल स्टेट लैंड डेवलपर। अगर आप रियल स्टेट मार्केटिंग के बारे में डिटेल में जानना चाहते, अगर आप रियल स्टेट मार्केटिंग आइडियाज़ के बारे में सर्च कर रहे थे, या कई बार आप कमेंट कर रहे थे, या आप एक अच्छा रियल स्टेट मार्केटिंग प्लान एज अ रियल स्टेट लैंड डेवलपर बनाना चाहते, तो ये वीडियो आपके लिए, इसे एंड तक जरूर देखिए। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल स्टेट कोच, रियल स्टेट ट्रेनर, रियल स्टेट एंटरप्रेन्योर, आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे रियल स्टेट डायरेक्टर, सीईओ, चेयरमैन से इंटरेक्ट करने के बाद, मेरी पीएचडी के दौरान इन कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर 50 से ज़्यादा सीईओस, और मेरी बुक के लिए रियल स्टेट गेम चेंजर 50 से ज़्यादा सीईओस पूरे एशिया से बात करने के बाद, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने उनसे पूछी कि मार्केटिंग क्या रोल प्ले करती है, आपका मार्केटिंग प्लान कैसे काम करता है, आप कैसी चीज़ों को करते हैं जिससे कस्टमर आपके पास खुद अट्रैक्ट होता है, या आप कैसे बहुत ज़्यादा तरीके से एक ऑर्गेनिक ब्रांड बिल्ड करते हैं, क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। ये सब क्वेश्चंस के आंसर्स पूछने के बाद कुछ ऐसे कॉमन आंसर्स हमें आए, जिसका एक रिसर्च करके हमने एक ओवरऑल सॉल्यूशन बनाया है, और ये पूरी सीरीज हम आपके लिए लेकर आए। आगे इस सीरीज में और वीडियो आने वाले हैं कि एक रियल स्टेट लैंड डेवलपर को मार्केटिंग प्लान बनाते समय क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये सब को समराइज करके 5 सिंपल स्टेप्स में हम आपके लिए लेकर आए हैं। पहली स्टेप मैं आपको बताना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके तुरंत बेल आइकन को हिट कीजिए, हम नहीं चाहते आपका एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो। सो आप अगर एक सक्सेसफुल रियल स्टेट एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, अगर आप एक सक्सेसफुल रियल स्टेट लीडर बनना चाहते हैं, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक बिल्डर है, डेवलपर है, मार्केटिंग एजेंसी के ओनर है, इन्वेस्टर है, बायर है या सेलर है, आपको मार्केटिंग के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये मार्केटिंग गाइड आपको हेल्प करेगा स्टेप बाय स्टेप आपका खुद का प्लान बनाने में। स्टेप नंबर 1, बाय लैंड एट डिमांडिंग जोन। दोस्तों आप सोच रहे होंगे, सर लैंड खरीदूँ एक डिमांडिंग जोन में, मार्केटिंग से क्या लेना देना है? समझिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब तक एज अ रियल स्टेट लैंड डेवलपर आप डिमांडिंग जोन सर्च करना नहीं सीखते, जब भी आप अपना प्रोजेक्ट एज अ लैंड डेवलपर किसी ऐसे एरिया में लेकर आएंगे जो एक डिमांडिंग एरिया है, जहाँ आने वाले समय में अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, आजू बाजू बहुत सारी चीज़ें हैं, तभी तो आपके मार्केटिंग प्लान में आप ये सब हाईलाइट कर पाएंगे। सो आपको ग्राउंड जीरो स्क्रैच लेवल पर ये सब सोचना सीखना पड़ेगा कि कल जब मैं मार्केटिंग करूंगा, मेरी टीम मार्केटिंग करेंगी, मेरे सोशल मीडिया मैनेजर, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, मेरी मार्केटिंग की टीम जब काम करेंगी, या मैं खुद एज अ लैंड डेवलपर जब उसमें कंट्रीब्यूट करूंगा, सो मेरा पहला रोल क्या है कि लैंड ही ऐसी जगह पर लूं जो एक डिमांडिंग जोन हो, जिसके आजू बाजू डेवलपमेंट हो, बड़े प्रोजेक्ट्स हो, लैंडमार्क्स हो, जिसे हम हाईलाइट कर सके हमारे ब्रोशर्स में, लीफलेट्स में, कैनोपीज में, अलग अलग जगह जब हम प्रमोशन करें, कोई प्रमोशनल वीडियो बनाए, तो इन सब चीजों को हाईलाइट कर सके। दूसरा, लिस्ट क्लियर डिलीवरेबल्स। आप क्या क्या डिलीवर करने वाले हैं इस लेआउट के प्रोजेक्ट में, जो भी आप लैंड डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वहाँ आप क्या क्या डिलीवर करने वाले हो, उसकी एक पूरी क्लियर लिस्ट आपके पास होनी जरूरी है। क्या एमिनिटीज आप देंगे, क्या क्या डेवलपमेंट करेंगे, क्या आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट दे रहे हैं, क्या आप इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या कर रहे हैं, क्या आप गार्डन दे रहे हैं, क्या आप कोई क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, जिम, कम्युनिटी, आप क्या क्या देना चाहते हैं, वो सब का एक क्लियर डिलीवरेबल ऑन पेपर लिस्ट में आपके पास होना चाहिए। क्योंकि जब भी आपका ब्रोशर बनता है, उससे पहले ये सब चीज़ें लगती है, तो आपका लीफलेट, ब्रोशर, प्रमोशन मटेरियल, सॉफ्ट कॉपी में हो, हार्ड कॉपी में हो, आप सोशल मीडिया पे यूज़ करें, प्रिंट लेवल पे यूज़ करें, ऑनलाइन करें, ऑफलाइन करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिलीवरेबल्स का स्टार्टिंग में डे वन को क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों कई बड़े जो अच्छे लैंड डेवलपर्स होते हैं, वो प्रमोशन वीडियो बनाते हैं, वॉक थ्रू बनाते हैं, उस समय अगर ये सब क्लियर नहीं होगा, तब कैसे आप लोगों तक, सही कस्टमर तक सही समय पे पहुंच पाएंगे। तीसरा, डिफाइन योर कस्टमर अवतार। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझना, आपके कस्टमर का डेमोग्राफिक, जियोग्राफिक, रीजनल क्या प्रोफाइल है, वो कहाँ से है, क्या आपके प्लॉट्स को खरीदने वाले जो फ्यूचर में लोग होंगे वो प्राइवेट बिजनेस में होंगे, जॉब में होंगे, गवर्नमेंट जॉब में होंगे, प्राइवेट जॉब में होंगे, लोअर क्लास होगा, मिडिल क्लास होगा, अपर क्लास होगा, कैसे लोग, क्या सैलरी उनकी होगी, क्या वो, उनका इंटरेस्ट क्या होगा, वो कैसे, वो होटलिंग पसंद करते हैं, टूरिज्म पसंद, ये सब आपके कस्टमर का डेमोग्राफिक प्रोफाइल, उसके अवतार को प्रॉपरली डिज़ाइन करके ही आप अपनी अच्छी मार्केटिंग कैंपेन प्लान कर सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, किसी भी टेक्निकल व्यक्ति को आप जॉब पे रखेंगे, उसे तो सिर्फ टूल्स लगाना आता है, डिजिटल बोलिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग बोलिए, या डिजाइनिंग के व्यक्ति को बोलिए, लेकिन उसे इन्फॉर्मेशन तो आप ही देंगे। ये जो कंपनी है, ये आपका ब्रेन चाइल्ड है, आपने सोचा, एक बड़ी कंपनी बनाई, लैंड एक्वायर किया, लेआउट लेकर आए, आप लैंड डेवलपर बने, ये सब कॉन्सेप्ट आपके है। सो एक अच्छा रियल स्टेट मार्केटिंग प्लान या एक अच्छे रियल स्टेट मार्केटिंग आइडियाज में बहुत सारी चीज़ें जरूरी है। जो भी मार्केटिंग प्लान आप बना रहे हैं, उसमें ये सब चीज़ों का जब पूरा एक बैलेंस तरीके से मिक्स नहीं होगा, तो आप सही कस्टमर को कभी अट्रैक्ट नहीं कर सकते, आपका लीड जनरेशन बहुत वीक होगा, सही लीड नहीं आएगी, सही साइट विजिट और रिजल्ट कभी नहीं मिल सकते। चौथा, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ योर क्लाइंट एंड डिलीवर मोर देन द कमिटमेंट। अब
ये मार्केटिंग में किस चीज़ का काम का, जब भी आप कोई कंटेंट लिख रहे हो, जब भी आप कोई ब्रोशर में मटेरियल लिख रहे हो, जब भी आप कोई चीज़ जिससे अपने क्लाइंट को अट्रैक्ट करना चाहते हो, अगर उसके प्रॉब्लम को हाईलाइट करते हो, लेकिन उसके पहले आपको उसके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आपको अपने लुक अलाइक, बहुत सारे ऐसे कस्टमर जो खरीद सकते हैं, उनसे बात करनी होगी, डिस्कशन करना होगा, हो सकता है क्वेश्चनर भरवाना होगा, उनके प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके आपको अपने प्रमोशन मटेरियल में उनके प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस को कवर करना पड़ेगा। और डिलीवर मोर देन द कमिटमेंट का मतलब है, कोई भी प्रोजेक्ट आप इसके पहले अगर आपने किया है, अगर वहां पर या इस प्रोजेक्ट में भी जब आप जो कमिट करें उसे ज्यादा डिलीवर करेंगे, तो आपका प्रोजेक्ट ही आपका सबसे बड़ा मार्केटिंग प्लान है। हाँ दोस्तों, आपने बहुत ठीक सुना। कई सीईओज ने हमें कहा कि हमारा प्रोजेक्ट ही हमारा मार्केटिंग का प्लान है, हमारा प्रोजेक्ट ही हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। जब हम कोई अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं, क्वालिटी डिलीवर करते हैं, जो कमिटमेंट करते हैं उसे ज़्यादा देते हैं, तब लोग ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हैं, फिर हमारा कस्टमर ही हमारा रेफरल पार्टनर, हमारा ब्रांड एम्बेसडर बन जाता है और हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करने लगता है। ये बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान से समझिए। अगर आप ये सब करेंगे, आपके कस्टमर खुश होंगे, आप अपने कस्टमर के फीडबैक भी अपने ब्रोशर में डाल सकते हैं। ऑफलाइन प्रमोशन करो या ऑनलाइन करो, अपने कस्टमर के फीडबैक क्या वीडियो बना सकते हैं। आपका डिलीवर किया हुआ प्रोडक्ट आपके कस्टमर को पसंद आता है और उसका फीडबैक देता है, वो अलग अलग जगह मार्केटिंग में यूज कर सकते हैं। और पांचवा, डिजाइन द मार्केटिंग प्लान। अब ये सब को कंबाइन करके, जितनी इंफॉर्मेशन आपने गैदर की, जितना डेटा आपने गैदर किया, इन सबको कंबाइन कीजिए, एक स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छा मार्केटिंग प्लान डिजाइन कीजिए और उस मार्केटिंग प्लान के हिसाब से काम कीजिए। आपके पास लीड की लाइन लग जाएगी, अच्छी लीड्स आएगी, आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, आपकी ब्रांडिंग होगी, आपकी ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। सो रियल स्टेट की फील्ड में अगर आप बहुत ग्रो करना चाहते हैं एज अ लैंड डेवलपर और एक अच्छा मार्केटिंग प्लान बनाना चाहते हैं, तो ये जो स्टेप बाय स्टेप गाइड हमने आपको बताया, इसे फॉलो कीजिए, इसे इंप्लीमेंट कीजिए, इसके नोट्स बनाइए और दोस्तों फिर देखिए कैसे आप एक बहुत सक्सेसफुल अपने सिटी, अपने स्टेट, आप नेशनल ग्लोबल भी काम कर सकते हैं। तो रियल स्टेट में अगर आपको अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना है, इन सब चीजों को फॉलो कीजिए, ये मार्केटिंग लाइन का यूज कीजिए। और अगर आपको लगता है किसी और टॉपिक पर हम हमारे वीडियो देखना चाहते हैं, तो जरूर कमेंट करके हमें बताइए। आपको लगता है आपके रेफरल पार्टनर, चैनल पार्टनर, टीम को आप ट्रेन करना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोचिंग करना चाहते हैं रियल एस्टेट के, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी तक जुड़े रहने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। और वीडियो अगर आपको काम का लगता है, प्रैक्टिकल लगता है, तो जरूर इसे सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।